गोंडा में आज सुशासन दिवस पर किसान सम्मेलन में आए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला किया और कहा, मनीष सिसोदिया आए, झूठ बोला और पूरी नौटंकी करके चले गए। मैंने 5 सवाल जो पूछे थे, आज भी उसका जवाब नहीं आया। उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी तो डेमोक्रेसी की बात ही ना करें, यदि उनकी पार्टी में डेमोक्रेसी है तो वह अपने परिवार के अलावा बाहर के किसी को अध्यक्ष बना दें तो मैं जानूं। इससे पूर्व उन्होंने सम्मेलन में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बॉर्डर पर जवानों को भी भोजन चाहिए होता है, वह ट्रेन पंजाब से होकर जाती है मगर पंजाब सरकार पंजाब में ट्रेन आने नहीं देती, ऐसा होने से जय जवान जय किसान कैसे फलीभूत होगा। यह बहुत विचित्र माहौल है, राजनीतिक स्थिति है, आप पहचान करिए कौन किसान हितैषी है। बहस करें, वो आए, उन्होंने बहस के लिए इंतजार किया लेकिन आप गए नहीं। मैंने तो मनीष सिसोदिया जी को बहस कहीं के लिए बुलाया तो वो आपको मनीष सिसोदिया दिखा दें एक दफे या आप लोग दिखा दें। मैंने जरूर प्रश्न पूछे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल से, उनका आज तक जवाब नहीं दिया, नौटंकी पूरी होके उन्होंने डिबेट की बात की थी तो आपने डिबेट क्यों नहीं किया? मैंने तो उनको बोला नहीं था, मैंने तो प्रश्न पूछे थे और आज फिर पूछ रहा हूँ। आप आके कुर्सी लगा के नौटंकी पूरी करके चले गए मगर आपने जो मैंने 5 प्रश्न पूछे थे, और फिर से मैं कहता हूँ, आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं स्वागत है मगर पूर्वांचलियों की आपने बेइज्जती करी या नहीं करी? जब आपके अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 500 रुपये का टिकट लेकर आते हैं और 5,00,000 रुपये का मुफ्त कोविड इलाज करके चले जाते हैं, क्या आपको दिल्ली हाई कोर्ट ने आपको क्या फटकार नहीं लगाई कि हमें बोलना पड़ रहा है जब आप जाते हैं कोविड मैनेजमेंट में? क्या उत्तर देंगे कि हमने उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ के ऊपर टेस्ट किए, आपने कितने किए? हमने शिक्षा क्षेत्र के अंदर 2 बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई, आपने कितनी बनाई? हमने मेडिकल कॉलेज 52 बनाए हैं पिछले 4 साल में, आपने कितने बनाए? इन सब चीज़ों का आज तक उत्तर नहीं आया है। हाँ, झूठ बोलकर नौटंकी करके जरूर चले। अच्छा, लोकतंत्र आ गया है कि अगर कोई पीएम मोदी के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसे आतंकी कह दिया जाता है, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो। भारत में लोकतंत्र नहीं है, उन्होंने कहा। राहुल गांधी जी, लोकतंत्र की तो बात कम ही कर लिया करें। लोकतंत्र तो जिस पार्टी में होता है, राजनीतिक दल में, उसमें आना चाहिए। आपकी पार्टी में है या नहीं उसका जवाब दे दें। कहीं आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो परिवार से बाहर निकल के किसी को और भी बना दे, अध्यक्ष बना दीजिए, उस दिन हम मान जाएंगे। मंत्री जी, आप ये मानते हैं?